व्हाट्सअप गाइस राकेश दादा हेरा। जो हम खेलने जा रहे हैं वापस से माइनक्राफ्ट। आज हम माइनक्राफ्ट में ऑटोमेटिक गोल्ड लग्जरी सॉरी गोल्ड ने गोल्ड फार्म बनने जा रहे, जो कि माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा गोल्ड जनरेट करने वाला फार्म बनेगा, जो कि आज हम बनाने जा रहे हैं, जो कि माइनक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा गोल्ड जनरेट करेगा। इसके बनने के लिए मेरे को 25 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। टूल के नाम बता दो कि सबसे पहले आपको लेना है ऑक्साइड। देखो फाइनली मैंने ऑक्साइड ऐसे ले लिया। उसके बाद हमें लेना चाहिए आप स्लैब या स्मूथ स्टोन, मैंने यहाँ से ले लिया और स्मूथ स्टोन स्लैब मुझे बचा फटाफट से बाय करने। देखो स्मूथ स्टोन मैंने कहा रखे, स्लैब को मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये कहीं मैंने देखे थे। मेरे क्रिएटिव मूड में खेल रहा हूँ, आपको पहले ही बता रहा हूँ। चलो कोई नहीं, इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद आपको इसके बाद हमें चाहिए रेड स्टोन। देखो फाइनली में ग्लास और ब्लैक ग्लास इसे ले लिया, और ब्लैक ग्लास के बाद चाहिए हमें ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के बाद चाहिए हमें डिस्पेंसर। डिस्पेंसर मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हमें चाहिए स्टिकी पिस्टन। उसके बाद रेड स्टोन डस्ट। उसके बाद हमें रेड स्टोन कॉम्प्रेटर और रेड स्टोन रिपीटर यहाँ से फटाफट से बाय कर लेंगे। देखो फटाफट से मैंने रेड स्टोन कॉम्प्रेटर को यहाँ से ले लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई साहब, चलो कोई ना। उसके बाद हमें वाटर बकेट, हमें बिल्कुल भी चार वाटर बकेट हमें चाहिए होंगे। देखो फटाफट से दो आपको चार आपको लावा बकेट भी चाहिए, चलो कोई ना। और इतना होने के बाद हमको चाहिए लीवर, जो कि हमें मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए हॉपर। हॉपर का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखो हॉपर ऐसे ले लिया। हॉपर लेने के बाद हमें चाहिए एनविल। एनविल है तीन प्रकार के होते हैं कि मैंने आज पहली बार देखा है। और आपको नॉर्मल टॉर्च और रेड स्टोन टॉर्च ऐसे ले लेने। देखो फाइनल इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद आपको डबल चेस्ट, आपको चेस्ट यहाँ से बाइक कर लेने। उसके बाद आपको लेना है फर्नेस। फर्नेस के बाद हमें क्या चाहिए भाई साहब, और क्या क्या भाई साहब, और हमें चाहिए फील्ड एंड स्टील्स, जो कि नेदर को एक्टिव ऑन ऑफ करा सके। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 10-15 ब्लॉक आपको फटाफट से आपको जितनी मर्जी आपको आपको वो से ब्लॉक आपको ऊपर आना है। उसके बाद आपको ऑक्साइड 20x20 की आपको लेयर ऐसी बना लेनी, जो कि मैं फटाफट से बनाकर आपको दिखा दूँ। चलो फटाफट से बनाने पर स्टार्ट तो कर दिया मैंने, जिसमें ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। अगर आप सर्वाइवल में खेल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। आपको क्रिएटिव में खेल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है, चलो कोई ना। आपको सर्वाइवल में थोड़ा बहुत आपको मुश्किल हो सकता है, चलो कोई ना। वो देखो मैं शायद से मैं 20 ब्लॉक यहाँ से ऊपर आ चुका। ऊपर आने के बाद चलो फटाफट से ये वाला काम निपटा देते। देखो आपको 20 ब्लॉक आपको फटाफट से इस तरफ आ जा रहे हैं, जो कि नीचे से बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है मेरे को। चलो कोई ना, इतना काम तो हो गया। और देखो फटाफट से इस वाले ब्लॉक को भी फटाफट से ऊपर लेकर चले जाते हैं। और फाइनल गाइस मैं ऊपर आ चुका। ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को, चलो कोई ना, इसको इससे मैंने अटैच कर लेंगे। देखो फाइनल नेदर है चिमकांडे कहीं का, चलो कोई ना, इसको तोड़ दे मैंने। देखो फाइनल हमारे 20x20 का ऑक्साइड का लेयर बनकर तैयार हो चुका है, और गोल्ड फार्म का फर्स्ट सैंपल हमारा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा खतरनाक और ऑटोमेटिक गोल्ड फार्म बनने जा रहा है। उसके बाद आपको 3 स्टोन आपको ऐसे लेने। उसके बाद आपको लेना डिस्पेंसर, इसका साइड आपको ऑक्साइड की तरफ होना चाहिए। देखो इतना काम हो गया। उसके बाद आपको लेना है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इसे प्लेस कर देना है, जो कि आपको बीच वाला ऑब्जर्वर इसके तोड़ देना। तोड़ने के बाद इसका फेस आपको फ्रंट साइड में, जो कि आपने आप में चुमा लेते हुए बैठे रहे, चलो कोई ना, इसको मैंने एक दूसरे के फ्रंट साइड में चिपका दिया। उसके बाद आपको नेदर को एक्टिव करने से पहले आपको हार्ड मोड ओपन कर लेना है। देखो हार्ड मोड को मैंने ओपन कर दिया। देखो फ्लीट एंड स्टील, पता नहीं इसका नाम क्या है, मुझे पता नहीं। आपको देखना है पिगलिन स्पॉन हो रहे कि नहीं हो रहे, आपको देख लेना है। देखो फटाफट से मैंने पिगलिन में नेदर एक्टिव होने का नाम नहीं ले रहा है चमकांडे के गच। देखो और देखो फाइनली मेरे एक पिगलिन यहाँ पर स्पॉन हो चुका है गाइस, देख सकते हो मेरे एक पिगलिन तो यहाँ पर स्पॉन हो चुका है। चलो कोई ना, अपना नेक्स्ट वाला पिगलिन कहाँ पर है भाई साहब, तो चलो कोई ना। और देखो अभी तो देखो हमारा फार्म तो वर्क तो करना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो इतना काम तो होगा। इस वाले तोड़ को मुझे, इसको तोड़ कर उसके उस साइड मुझे फ्रंट साइड में बनना चाहिए।
जो कि अब इस साइड है मेरे पिगलिन स्पॉन होने में कोई दिक्कत ना हो सके, इसलिए मैंने इसको फ्रंट साइड में बना लूँ। और बनाने के लिए मुझे आपको सिंपली आपको तीन स्लैब आपको ऐसे सारे स्टोन ऐसे लगा दे, उसके बाद आपको डिस्पेंसर आपको ऐसे इसका साइज फ्रंट साइड में होना चाहिए इसका मुँह। उसके बाद आपको लेना है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को आपस में चुमा चुमा खेलते हुए इसको ऐसे सेट कर दे, जो कि अपने आप में देखो इसका फेस आपने देखो इसका इसको मैं बाद में एक्टिव करूँगा, पता चले कि अपने आप एक्टिव होकर कुछ चमका दे, कुछ फालतू हरकत ना कर दे। और आपको एक ब्लॉक छोड़ के आपको तीन ब्लॉक आपको ऐसे प्लेस कर दें, उसके बाद आपको चार ऑब्जर्वर आपको ऐसे प्लेस कर दे, और आपको फर्स्ट वाला लगा है तो उस ऑब्जर्वर को आपको तोड़ देना है ऐसे, उसका फेस आपको इस तरफ ऐसे बना लेना है। देखो अपने आप रेड स्टोन आपको अपने आप ऑन ऑफ होता रहेगा। चलो फटाफट से इन सभी को फटाफट से कवर कर देते, देखो स्मूथ स्टोन से मैंने फटाफट से यहाँ पर कवर कर दिया। चलो हो जा भाई, चलो इतना काम तो हो गया। इतना काम होने के बाद आपको या क्या करना, दो दो ब्लॉक आपको ऐसे ऊपर आ जा रहे हैं, जो कि फटाफट से सिंपली आपको दो दो ब्लॉक आपको फटाफट से ऊपर आ जा रहे हैं, जो कि फटाफट से ये वाला काम भी फटाफट से निपटा देंगे। चलो कोई ना, ये काम बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है मेरे को। चलो कोई ना, इतना काम तो हो गया, और अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है चमकान देखेगा। चलो इतना काम तो हो गया, और आपको क्या करना है, आपको नीच वाली बीच वाली लाइन आपको ऐसे तोड़ देने, तोड़ने के लिए मेरे को यहाँ पर तोड़ देने क्योंकि ये वाला लाइन, और इसके बाद ए वाला ब्लॉक ऐसे तोड़ देने, उसके बाद आपको ए वाला ब्लॉक भी तोड़ने के लिए आपको चाहिए आपको ट्रैप डोर। ट्रैप डोर लेना मैं तो भूल ही गया। चलो कोई ना, ट्रैप डोर को मैंने यही कहीं पर देखा था मेरे साथ जहाँ तक पता, देखो फाइनली मेरे को ट्रैप डोर मिल चुका है, और आपको चार ट्रैप डोर ऐसे प्लेस कर देने, जो कि जैसे प्लेस कर आपको ट्रैप डोर ऐसे प्लेस कर देने। उसके बाद आपको चाहिए रेड स्टोन, सारे आपको इसको एक्टिव कर देंगे। इसके अंदर डालने के लिए मेरे को लावा बकेट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो फाइनली इसके अंदर मैंने लावा डाल दिया, और लावा डालने के बाद अपने आप एक्टिव हो चुका है। एक्टिव बिना एक्टिव करने के लिए मेरे को देख सकते आप इसका साइज, मेरे को इसको मुझे एक्टिव करना है भाई सब। चलो इस पता चला कि निद्र में घुस रहा हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, निद्र में घुस गया तो चलो कोई ना, वो देखो फाइनली एक्टिव हो चुका है। एक्टिव होने के इसके अंदर मुझे वाटर बकेट भी डालना था, मैं भूल गया। चलो कोई ना, इसके अंदर वाटर बकेट डाल दिया मैंने, वो देखो अभी कितने सारे पिगलिन स्पॉन हो सकेंगे, देख सकते हो अब कितने सारे पिगलिन स्पॉन हो सकते हैं। वो देख रहे हो गाइस कितने सारे पिगलिन पे पिगलिन पिगलिन पे पिगलिन स्पॉन होते जा रहे होते जा रहे। इसके जैसे आपको चार लेयर आपको और बना लेनी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। चलो फटाफट से इसको एक्टिव बंद कर देंगे। चलो बीच वाले लाइन को ऐसे तोड़ देने, तोड़ने के लिए इसको इसके अंदर से वाटर बकेट ऐसे ले लिया। वाटर बकेट लेने के लिए इसको वाटर बकेट को मैं बंद, देखो फाइनली इसको बंद कर दे भाई साहब, तो क्यों एक्टिव हो गया। चलो इसको भी मेरे ऑक्साइड को तोड़ना पड़ेगा। चलो इस ऑक्साइड को मैंने तोड़ दे, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपको तीन ब्लॉक आपको फटाफट से ऐसे लगा देने जैसे मैं लगा रहा हूँ। देखो फाइनली इसको आपको चारों तरफ आपको दो एक एक ब्लॉक की लेयर ऐसे बना लें, आपको दो साइड आपको ऐसे लगा देने। देखो फाइनल में यहाँ पर लगा तो दिया, उसके बाद आपको देखिए पिस्टन की जरूरत पड़ेगी इसकी, उसको यहाँ पर लगा दें। इसका फेस आपको फ्रंट साइड में इस तरफ होना चाहिए। देखो फाइनल यहाँ पर स्टिकी पिस्टन मैंने यहाँ से लगा दे, ये हमारे स्टिकी पिस्टन आप अपना ऑन ऑफ का ऑप्शन करेगा। देखो फाइनली मैंने चारों तरफ से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है मेरे फार्म, देख सकते हो। देखो फार्म तो नहीं बोलेंगे इसको, अपना मशीन बोलेंगे। चलो कोई ना, उसके बाद आपको एक एक लेयर की आपको एक एक लेयर का आपको ऐसे लगाते हुए चले जाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद आपको देखो फाइनली आपको लास्ट वाले लेयर तक आपको ऐसे खींचते हुए चले जाना है, जो कि मैंने इसे खींचते हुए चले गया। और देखो इसके बाद आपको स्टोन ऐसे लगाते हुए चले जाना, जो कि फटाफट से मैंने स्टोन लगाना यहाँ पर स्टार्ट कर दे। अरे बहुत ज़्यादा बदतमीज यार, पीसी होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। चलो अपने फ़ोन में बना रहे, चलो कोई ना, फ़ोन से भी अपना काम आप इजी हो जाएगा। चलो कोई ना, फ़ोन में खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है माइनक्राफ्ट। उसके बाद आपको सिंपली आप लीवर के लिए यहाँ पर लगेगा रेड स्टोन। फिर आपको सबसे पहले बता दूँ कि लीवर यहाँ से लगा दे, जो कि मैंने लीवर खा पर रखा है। देखो फाइनली मेरा लीवर यहाँ पर मिल चुका है। देखो फटाफट से लीवर को मैंने ऐसे एक्टिव कर दिया। उसके बाद रेड स्टोन डस्ट को जहाँ जहाँ पर आपको स्टिकी पिस्टन है वहाँ पर आपको रेड स्टोन आपको रेड स्टोन रिपीटर भी डालना पड़ेगा मेरे बीच बीच में इसकी पर, उस नहीं तो इस रेड स्टोन रिपीटर ऐसे लगा दे मैंने। देखो इसको एक्टिव कुछ इसके रेड स्टोन रिपीटर के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, आपको जिस तरह ऑक्साइड दिखेगी उस तरह आपको रेड स्टोन रिपीटर ऐसे प्लेस कर दे चले जाने, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। चलो कोई ना, और आपको एक और रेड स्टोन रिपीटर यहाँ से लगा चाहिए। वो देखो
फाइनली रेडस्टोन रिपीटर मैंने यहाँ से लगा दे। उसके बाद आप पिस्टन से इसको एक्टिव कर दें, जो कि हमारे मशीन ऑन ऑफ ऑन या ऑफ का ऑप्शन आपने काम करना यहाँ पर स्टार्ट होगा हो जाएगा। चलो गुड नाइट दोस्तों, मिलेंगे आपको सुबह होने के बाद। देखो फाइनली मॉर्निंग हो चुके और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि इसको एक्टिव करने के लिए आपको फ्रंट साइड में इसका ऑब्जर्वर आपको ऐसे प्लेस कर देना है, जो कि फटाफट से हमने ऑब्जर्वर ऐसे प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। देखो फटाफट से ऑब्जर्वर को प्लेस ऐसे कर दिया मैंने। देखो इतना काम तो कंप्लीट हो चुका है। देखो आपको चार लाइन में ऑब्जर्वर प्लेस कर दिया मैंने, और आपको इसके अंदर वाटर बकेट भी डालना था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो कोई ना, इतना इसके बाद में इसके अंदर भी वाटर बकेट मुझे डालना पड़ेगा। देखो इसके अंदर में वाटर बकेट डाल दिया, और उसके बाद इसके अंदर भी वाटर बकेट ऐसे प्लेस कर देना, उसके अंदर भी वाटर बकेट ऐसे सिंपली ऐसे डाल देना। चलो कोई ना, सारे के अंदर में वाटर बकेट ऐसे प्लेस कर दे। चलो देखेंगे अपने फार्म वर्क करने कर रहा है कि नहीं। चलो कोई ना, इसको देखो, इसको मैंने वो अटैच तो कर दिया। तो कोई फर वर्क करना तो स्टार्ट हो गया। चलो बीच वाला देखते हैं यहाँ पर, बीच वाला लकर कि चलो ये भी करने लगा। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला चिमकंडे बहुत ज़्यादा गलत लगा स्टोन। चलो कोई ना, तो ये वाला फार्म भी हमारा वर्क करना स्टार्ट हो चुका है। देख तो ये वाला देखेंगे, ये वाला भी वर्क करना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और देख सकते हो कितने सारे पिगलिन बहुत ज़्यादा स्पॉन हो सकते हैं। इन पिगलिन से हमें बहुत ज़्यादा गोल्ड जनरेट हो सकता है, जो कि आप हद से ज़्यादा गोल्ड हमें मिलते जाएगा। और गोल्ड के हम पूरा गोल्ड का घर पूरा बना सकते हैं, हमें पूरा बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे माइनक्राफ्ट में। और देख सकते हो हमारा गोल्ड फार्म यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको तीन ब्लॉक, आपको मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कोई ना, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और बता दो कि आपको तीन ब्लॉकों को, चलो चिमकांडे मेरे को कुछ नहीं। आपको ये दिख रही है ऑक्साइड की लाइन पूरी खंभा, उसके ऊपर दो ब्लॉक छोड़ के आपको दो ब्लॉक छोड़ने, उसके बाद आपको पीछे लगा देने, आपको यहाँ पर लगा देने, आपको सिंपली यहाँ पर स्मूथ स्टोन से लगा देने। आपको यहाँ पर पानी की पूरी लेयर बना लें, जो कि आपको पानी की लेयर से बना लें। चूको फटाफट से ऑक्सीजन मुझे कुछ घटिया लग रहा है। चलो यहाँ पर मुझे लगता है पर ग्लास का यूज़ करना चाहिए, ग्लास यूज़ करने से बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे यार। चलो फटाफट से मैंने ग्लास का यूज़ करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। चूको फटाफट से ग्लास की लेयर फटाफट से बना लेते हैं। चलो कोई ना, देखो ऊपर वाली लाइन भी अब ग्लास की खींचते हुए चले जाएंगे। देखो फाइनली मैं ऊपर वाली लाइन को ग्लास से खींचते हुए लेकर आ चुका। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्लास ऐसे लगाते हुए आपको दो दो लाइन ऐसे बना लेनी है। देखो फाइनल अभी मुझे लगता है दो और मुझे लगाना चाहिए, ऊपर का एक और नीचे के दो मैंने ऐसे सिंपली प्लेस कर दिया। और मेरे को एक और मुझे लगाना चाहिए, मेरे को जहाँ तक पता है। देखो एक और ग्लास और नीचे एक और ऊपर एक, ये मैंने यहाँ पर ग्लास ऐसे प्लेस कर दिया। इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस साइड आ जा रहा है। इस साइड आने के बाद आपको सात ग्लास ऐसे प्लेस कर देना है, जो कि फटाफट से सात ग्लास ऐसे प्लेस करेंगे। चलो कोई ना, उसके नीचे आप टेम्प्रेरी ऐसे ब्लॉक, उसके बाद आपको फिर से सात ब्लॉक आपको ऐसे सात ग्लास ऐसे प्लेस कर देने। चलो इतना काम होने के बाद आपको क्या करना, आपको इस बार आपको सिंपली आपको यहाँ पर लगा देना स्टोन। उसके बाद आपको आठ ग्लास आपको प्लेस कर देने, इस पर आपको आठ, आपको देखो कितने ग्लास हो गए, एक दो तीन चार पाँच, और आपको तीन ग्लास और फटाफट से लगा दे। देखो फाइनली मैंने तीन ग्लास को ऐसे लगा दिया, और देखो इसकी लुक बहुत ज़्यादा ऐसी लगी। इस सेल में आपको सेम चीज़ आपको ऐसे बना लेने, जो कि सात ग्लास आपको लगा दे। उसके बाद इतना काम होने के बाद आपको सभी ग्लास को ब्लॉक को आपको फटाफट से आप आपस में जोड़ देने, जो कि हमारा पानी की जैसा काम करना पर स्टार्ट हो जाएगा। जो को फटाफट से ये वाला स्टोन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फाइन फार्म बनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलो कोई ना, इतना काम हो गया। चलो आपको नीचे वाला ब्लॉक लगा तोड़ना तो मैं भूल गया, इसको फटाफट से तोड़ दे। चलो इसको तोड़ दिया मैंने, चलो कोई ना, इसका काम खत्म हो गया। चलो इसको मैंने तोड़ दिया। इतना काम होने के देखो फाइनल हमारा फार्म पूरा वर्क करना पर लग गया। उसके बाद आपको एक एक ब्लॉक ऐसे लगाते हुए चले जाने, जो कि एक ब्लॉक आपको ऊपर आ सके, यहाँ पर पानी यहाँ से फार्म के बाहर ना निकल सके। इसलिए मैं आपको एक और ग्लास की लेयर ऐसे चढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना फार्म बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी लगेगा। चलो कोई नहीं, इतना काम तो हो गया। और आपको सेम चीज़ उस वाले साइड भी ऐसे काम कर दे रहे हैं, जो कि फटाफट से इस वाले साइड भी फटाफट से कर देते। चलो कोई ना, बहुत ज़्यादा ईजी काम है, फटाफट से ये वाला काम भी हो जाएगा। और मिलेंगे आपको काम खत्म होने के बाद। देखो फाइनल मेरा सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। देख सकते पानी के लिए बिल्कुल भी एक बूंद भी नीचे नहीं आनी चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो पानी की एक लाइन भी बूंद नीचे नहीं आ रही। देखो इस बात का मैंने ध्यान रखते हुए इस फार्म को बनाया है मैंने। देखो फाइनल सारे जगह पर आपको वाटर बोर्ड आपको बिछाते हुए चले जाने। देखो फाइनल मैंने सारे वाटर बोर्ड को ऐसे बिछा तो दिया। चलो कोई ना, अपना काम कंप्लीट हो चुका है।
और अब देख सकते हो पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं टपक रही। देख सकते हो कितना जब पावरफुल वर्किंग और सक्सेसफुल बन रहा है अपना फॉर्म, जो कि मैंने आपको पूछ लो दिमाग लगा के दौड़ा कि बहुत दिमाग में इसमें क्या दौड़ा है, बहुत चमकांडे फार्म है। चलो कोई ना, इस वाले फार्म को आपको 3 क्लास आपको ऐसे प्लेस कर दें, जो कि फटाफट से आपको 3 क्लास ऐसे प्लेस कर दे। चलो मैं वीडियो को थोड़ा यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको ठीक से समझ आए। चलो कोई ना, और फाइनली सारा चेम का काम हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आपको 16 ब्लॉक आपको नीचे से डिग करते हुए चले जाने, जो कि बहुत ज़्यादा आसान काम है। चलो फटाफट से मैंने डिग करना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। देखो आपको 16 ब्लॉक आपको फटाफट से नीचे आ जाने, देखो मिलेंगे आपको नीचे जाने के बाद। और फाइनल गाइस हमें 16 ब्लॉक नीचे आ चुका है। चेम के नीचे आपको ऐसे वहाँ पर आपको प्लेस कर रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर पिगलिंग मिलेंगे, आप पिगलिंग गिरते हुए गिरेंगे। चलो कोई ना, और आपको यहाँ पर तीन तीन आपको कुछ ऐसे प्लेस कर रहे हैं, जो कि मुझे कुछ गलत नहीं, चलो चमकांडे कहेगा। चलो कोई ना, इतना काम तो कम्प्लीट हो चुका है गाइस, देख सकते हो। और इतना काम होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक और हॉपर ऐसे प्लेस कर देने, जो कि हमारा हॉपर का काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्लैब डालने के लिए मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलो कोई ना, और इतना काम होने के बाद आपको सिंपली मुझे को थोड़ा यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा। चलो कोई ना, यहाँ पर ऊपर से इसे सेट कर दिया, और सेट करने के बाद आपको स्लैब भी मुझे लगाना चाहिए। स्लैब लगाने के लिए मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा। चलो कोई ना, और स्लैब में कैसे लगाऊंगा, चलो सिंपली आपको स्लैब ऐसे प्लेस कर देने, जो कि मैं जैसे प्लेस कर रहा हूँ। देखो फाइनली मेरे स्लैब का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और आपको सिंगल स्लैब वैसे प्लेस कर देने, जो कि मैं जैसे सिंगल स्लैब ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, आपको सेम चीज़ आपको सिंगल स्लैब को ऐसे प्लेस कर देने। चलो फटाफट से ये वाला काम भी निपटे दिया। चमकांडे मेरे को ऊपर क्या अटक रहा है, चलो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है चमकांडे, बहुत ये वाली चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो कोई ना, काम करते समय कहते हैं क्या क्या, टांग अड़ाते रहते, टांग अड़ाते रहते। चलो को इतना काम कंप्लीट हो चुका है। देखो स्लैब को फटाफट से मैंने प्लेस कर दिए, देखो स्लैब का सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो गाइस। वो देखो इतना काम होने के बाद आपको यू यू करके यहाँ पर आपको जॉम्बी इजीली मार सकते हो, आप जो भी जॉम्बी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। चलो कोई नहीं, इतना काम तो हो गया, और अभी लेंगे आपको पूरा काम खत्म होने के बाद। चलो हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और देखो कितना ज़्यादा बड़ा रूम यहाँ से मैंने जनरेट किया है। अगर आपको पता होगा कि आपको मैं बता दूँ कि आपके इस वाले रूम में अपन को मिलेगा गोल्ड और गोल्ड ब्लॉक और गोल्ड के एंकल, जो कि सारे अलग अलग ब्लॉक में चले जाएंगे, जो कि आपको फटाफट से आपको 3 ब्लॉक आपको फटाफट से ऐसे प्लेस कर दें, जो कि मैं आपको 3 ब्लॉक ऐसे प्लेस कर दें। उसके ऊपर एक और ब्लॉक की लाइन बना लेनी, उसके फ्रंट साइड में और पीछे वाले साइड में एक और ब्लॉक की ऐसे लेन बना लेनी, जो कि लाइन इस तरफ लगेगी। उसके ऊपर रेड स्टोन कॉम्प्रेटर को ऐसे प्लेस कर देना, जो कि 3 ऐसे प्लेस कर देना। उसके पीछे लगेंगे ब्लॉक ऐसे मैंने फटाफट से ऐसे लगा दे। उसके बाद रेड स्टोन कॉम्प्रेटर को आपको ऐसे प्लेस कर दें, उसके आपको रेड स्टोन से डस्ट से इनको सारों को एक्टिव कर दें, जो कि फटाफट से मैंने 9 ऐसे लगा दें। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर 2 ब्लॉक आपको फटाफट से ऐसे प्लेस कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हॉपर को रेड स्टोन कॉम्प्रेटर से अटैच करते हुए ऐसे लगा देने, जैसे मैं लगा रहा हूँ। रेड स्टोन कॉम्प्रेटर से अटैच रहने से आपको पहले पता है आपको ऊपर नीचे नहीं चलेगा। इतना काम कंप्लीट हो चुका है। इतना काम कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आप टेम्प्रेरी से चेस्ट ऐसे ब्लॉक ऐसे लगा देने। उसके बाद आपको चेस्ट आपको डबल चेस्ट आपको ऐसे प्लेस कर देने, और आपको तीन तीन आपको डबल चेस्ट मैंने ऐसे प्लेस करे। उसके बाद इस वाले फालतू लाइन को ऐसे तोड़ देने, तोड़ने की चमकांडे वाले टूट क्यों टूट गया भाई। उसके बाद आपको नीचे और ठीक इनके नीचे आपको डबल चेस्ट आपको 3 डबल चेस्ट आपको ऐसे प्लेस कर देने, जो कि बहुत ज़्यादा आसान काम है। चलो कोई नहीं, इसके बाद ये वाला काम हो गया और ये वाला इतना काम हो गया। उसके बाद आपको हॉपर ऐसे इनको अटैच ऐसे कर देने, जो कि हॉपर से इनको अटैच करना चाहिए।
फाइनली मैंने हॉपर से इनको अल्टी एल्स, तो एक काम तो मैं भूल गया, यहाँ पर रेड स्टोन टॉर्च लगाना मैं भूल गया इनके नीचे। देखो आपको ठीक से देख रहे हैं, रेड स्टोन टॉर्च कहाँ पर लगा दिए मैंने, देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसे लगा दी। चलो कोई नहीं, इस तरह भी हम रेड स्टोन टॉर्च का काम यहाँ पर कंप्लीट तो कर देंगे। रेड स्टोन टॉर्च लग नहीं रहा, चलो कोई ना, देखो फाइनली लग चुका, और उसके बाद हॉपर और हॉपर इतना काम कंप्लीट हो चुका है गाइस। चलो कोई ना, इतना काम होने के बाद आपको फटाफट से हॉपर को क्या करना है, आपको सिंपली आप पर स्लैब के स्टोन, आपको स्लैब ऐसे, सॉरी स्लैब नहीं, आपको स्टोन ऐसे लगाते हुए चले जाना है, जो कि हॉपर से उन हॉपर से आपको अटैच कर देना है, जो कि फटाफट से वाला काम भी निपटा देते। चलो कोई ना, फटाफट से वाला काम भी निपटा देते हैं। चलो कोई ना, और देखो ये डबल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, देखो डबल हॉपर आपको बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देखो फटाफट से मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। और फाइनली आज मैं यहाँ पर एक चेस्ट ऐसे बना रहा हूँ जिसमें आपको फालतू का सारा पिगलिन के स्वाड, पिगलिन के कुछ फालतू सामने इसमें चले जाएंगे। इससे फर्नेस होकर आपको गोल्ड के नेगेट इजली, सॉरी गोल्ड के इंगट मिल सके, इसलिए मैं आपको इस वाले फार्म की, सॉरी इस वाले चेस्ट की, मैंने चेस्ट मेरा गलत लग गया शायद से। चलो कोई नहीं, वाला चेस्ट मुझे यहाँ पर लगा देनी चाहिए, जो कि मेरा अटैच तो हो चुका है, और देख सकते हो हमारा फाइनल ये वाला चेस्ट की लाइन मुझे पूरी तरह से तोड़नी पड़ेगी। चलो कोई इसको तोड़ो और ऊपर लाइन को तोड़ो। चलो कोई इतना काम कंप्लीट हो चुका, उसके बाद आपको लगा यहाँ पर फर्नेस, फर्नेस मैंने स्टार्टिंग में लिया था। चलो कोई ना, और आपको फर्नेस सिंपली ऐसे प्लेस कर देने, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपको टिक करके यहाँ पर लगा देने डबल चेस्ट, चेस्ट के जॉइन आपको हॉपर ऐसे लगा देने, जो कि आपको यहाँ पर गोल्ड के निकट मिल सके। उसके बाद आपको एक चेस्ट आपको हॉपर ऐसे प्लेस कर दें, जो कि चेस्ट और फर्नेस से कनेक्ट हो सके। इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक और इसमें एनविल, एनविल की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। एनविल मैंने स्टार्टिंग में ही बाय करा था, चलो कोई ना, और एनविल को सिंपली आपको ऐसे प्लेस कर देना, जो कि मैं एनविल को ऐसे प्लेस कर दे। इसके अंदर आपको इन सारे ब्लॉक के नाम को चेंज कर देना, जो कि फटाफट से मैंने सारे ब्लॉक के नाम यहाँ पर चेंज कर दे। और चेंज करने के बाद आपको क्या करना, चार चार ब्लॉक के आपको अलग अलग लेयर ऐसे बना लेने, आपको सिंपली चार ब्लॉक आपको ऐसे फटाफट से ले लेने। उसके बाद आपको चाहिए कौन से ब्लॉक में कौन सा आपको चीज़ चाहिए उसको ऐसे प्लेस कर दें। उसके बाद आपको गोल्ड के नेगेट चाहिए तो गोल्ड के नेगेट ऐसे प्लेस ऐसे कर देने। इसमें रखेंगे मैं चार ब्लॉक यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देंगे, चार ब्लॉक मेरे को यहाँ पर लग रखा है, जो कि हमने नेम टैग से चार ब्लॉक ऐसे लगाए थे, इनको चार ब्लॉक ऐसे रख देना है। उसके बाद गोल्ड के निगेट, उसके यहाँ पर रोटेन फ्लिश, जो कि सिंपली यहाँ पर रोटेन फ्लिश बहुत ज़्यादा मिलता है भाई साहब। ये रोटेन फ्लिश का क्या यूज़ है मुझे कुछ पता नहीं, इससे से हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं मेरे को जहाँ तक मैंने देखा है। देखो आप इसमें 41, देखो ये फार्म सक्सेसफुली वर्क करना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका। इसमें सिर्फ गोल्ड के निकट, इसमें गोल्ड के इंगट, और इसमें सिर्फ गोल्ड, सॉरी इसमें सिर्फ रोटेन फ्लिश आएंगे। चलो इतना काम कंप्लीट हो चुका, तो अपने शॉर्ट को मैं एंशेंट करा लेता हूँ, और शार्पनेस 5 और लूटिंग 3 से हमारे स्वाड बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके गाइस। और देखते हैं हमारे सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। देखो फाइनल में ऊपर आ चुका, ऊपर आने के वाला चमका डे बतने अटैक क्यों पड़ा था। चलो कोई ना, इसको मैंने अटैच कर दे। देखो एक लीवर से अपना फार्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अनलिमिटेड आपको गोल्ड मिलते हुए चले जाएगा, अनलिमिटेड गोल्ड जनरेट करेगा। चलो कोई ना, सिर्फ एक लीवर बटन दबाने से मेरा सारा फार्म यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हार्ड मोड को यहाँ से ओपन कर देना है। हार्ड मोड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करने लगता है फार्म। देखो स्वर्ड को मैंने हाथ में पकड़े, इसको कर दिया मैंने स्टार्ट। चलो भाई साहब स्टार्ट हो गया चिमका डे, और देखो फाइनली मेरा सारा फार्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुका। देख सकते हो हमारा अल्टीमेट गोल्डन लग, सर गोल्ड नहीं, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अपना गोल्ड फार्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुका। ये वाला वर्क क्यों करना है, क्यों नहीं कर रहा, चलो कोई इसको बाद में ठीक करेंगे। देखो फाइनली मेरा सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देख सकते सबसे पहले लीवर को मैंने सिंपली ऐसे बंद कर दिया। चलो कोई नहीं, एक और काम करना बाकी था मेरे को, क्या करना है भाई साहब, और मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, वाटर बकेट में चाहिए थी, वाटर बकेट की रेसिपी मेरे को पता नहीं। चलो कोई ना, इसको बाद में सेट करेंगे। चलो सबसे पहले वाटर बकेट मैंने कहाँ पर, देखो फाइनली मेरे को वाटर बकेट मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने बिल्कुल
पता नहीं फिर से मैंने किल, इसमें भी वाटर बकेट नहीं थी, इसके अंदर में वाटर बकेट थे। चलो कोई ना, इसका इतना काम तो हो गया। इसके अंदर शायद से वाटर बकेट नहीं थी इसलिए वर्क नहीं कर रहा। चलो कोई, इतना काम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले लीवर को करेंगे फिर से स्टार्ट। देखो गाइस, फाइनली हमें सारे चारों हमारे गोल्डन, सॉरी क्या बोलते हैं उससे पता नहीं, चारों हमारे लेयर कंप वर्क करना स्टार्ट हो चुका। और देख सकते हो पर कितने सारे पिगलिन पे पिगलिन, पिगलिन के बच्चे बच्चे बूढ़े बूढ़े सब, अपना नेदर सारा खाली हो जाएगा अगर इतने पिगलिन यहाँ पर आने लगे तो। चलो करें और मिलेंगे आपको नीचे का क्या हाल है मेरे को कोई पता नहीं, आपको नीचे की थोड़ा लुक दिखा रहा हूँ। तो देखो फाइनल नीचे आने के बाद देख लो यहाँ पर कितने सारे पिगले मरे जा रहे थे, मिगले मरे जा रहे थे। मेरे यहाँ पर सिर्फ सिर्फ 5 या 10 सेकंड हुए। देखो यहाँ पर कितना सारा गोल्ड मिल चुका है मेरे को, वो देखो कितने सारे रोटेन फ्लैश भी मिल चुका है मेरे को। वो देखो हमारा फार्म यहाँ पर सक्सेसफुल वर्क करना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसमें सिर्फ गोल्ड के नेकेट, गोल्ड के ब्लॉक सारे, इनको मेरा काम खत्म हो चुका है गाइस। देखो कितने सारे पिगले यहाँ पर मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। और गाइस साहब चलो कोई ना, इतना काम कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर कितने सारे पिगलिन देख सकते हो, वहाँ पर कितने सारे पिगलिन है देख सकते हो। इससे इतने सारे पिगलिन से मैं करूँगा गाइस। चलो कोई ना, देखो कितने सारे पिगलिन यहाँ पर मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कोई ना, चलो अपना काम पर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप, मेरा काम तो हो गया, चलो अपना काम, आप भी अपना काम करो। आप, आपका काम है क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और मिलेंगे इससे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।